ज़मीन की खुदाई कर 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 हम थक गए, जब 5 फुट की गहराई हो गई है ज़मीन में, तब जाकर सब्ज़ी हमें मिली है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 फुट की गहराई में जाके सब्ज़ी मिली है हमें। जितना टाइम सब्जी को देंगे, यानी कि जितना साल इसे देंगे, उतना ही बड़ा साइज़ का होता है। ये लगभग 5 साल में तैयार हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 9 से 10 किलो की था इसका वज़न, तो इतनी गहराई में जाके हमें मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ का होता है, और बड़ा साइज़ का भी हो जाता है जितना टाइम इसे देंगे आप। तो इस तरह से तो लग रहा होगा आपको कैसा है, सख्त सा ब्लैक कलर का, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अंदर से हम कहते हैं ना, किसी को कितना देखने में कठोर है तो उसका मन अंदर से इतना ही सॉफ्ट है। तो बस वही कहानी इसी की है, देखने में कितना कठोर लग रहा होगा तो ऐसा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है, बस देखने में नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट है। इस तरह से आसानी से छिल भी जाएगा, जैसे आलू होता है ना, उस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, आलू से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है छिलने में। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथों में, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ऑयल लगा लेना है, जिससे कि अगर थोड़ा चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से इजीली हो जाएगा। जैसे जिमीकंद होता है या अरबी की सब्ज़ी होती है, थोड़ा सा उसमें खुजली होती है, थोड़ा सा इस तरह कम बॉयल कर दिया तो थोड़ा सा खुजली झिलझिलाहट सी होने लग जाती है, तो इससे बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, बस थोड़ा सा चिपचिपापन ना लगे इसलिए हमने ऑयल लगाया। तो वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। इस तरह से हमने इसका छिलका निकाल दिया, देख सकते कितना सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और हल्का सा पर्पल कलर में, पिंक शेड में भी अंदर से दिखता है, आपको दिखा रहे हैं हम काट के, इस तरह से हल्का सा कलर भी आ जाता है, इतना लाजवाब बनता है, बिल्कुल वाइट कलर का, हल्का सा पपीस कलर का, देखने में इतना सुंदर लगता है, जैसे पनीर होगा ना, बस उस तरह से आता है। काटने में भी बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस सभी को हम बारी बारी कर कर सभी का छिलका इस तरह से निकाल देंगे, जैसा हम निकाल रहे हैं ना, बस इस तरह से, बस इजली इसकी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं क्यूब्स की शेप में, जैसे पनीर काटते हैं, तो बस उस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में भी सेव कर सकते हैं, स्नैक के तौर पर खा सकते हैं, बस फ्रेंच फ्राइज शेप में इसे काट दीजिए और डीप फ्राई कर दीजिए, तरह से कुक कर दीजिए क्रंची होने तक, बिल्कुल ईजिली बिल्कुल वैसी क्रिस्पी बनेगा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह, बाहर से बिल्कुल क्रंची। इस तरह भी आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार देखिए फिर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो इस तरह से हमने कर दिया है, तो देख सकते हैं हाथों से तोड़ के दिखाते हैं तो बिल्कुल कैसा है, कच्ची सा है, थोड़ा सा क्रंची सा है, तो इस तरह से है ये। तो इस तरह रख दिया एक तरफ, तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में इसे डाल देंगे। तो बस इसमें हम बता देते हैं हमने इसमें क्या डालना है, तो थोड़ी सी इसमें नमक डाल देंगे आधी चम्मच करीबन, इसमें हल्दी डाल देंगे कलर देने के लिए, और हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नींबू का रस, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आए, और थोड़ा ही पानी डालेंगे, इतना थोड़ा ही डूब जाए अच्छे से, बस इसके ऊपर ना आए पानी, थोड़ा सा पानी इसमें डूब जाए, इतना ही पानी इसमें डालेंगे, बस अच्छे से थोड़ा मिक्स हो गया है, देख सकते हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे ढक्कन और तुरंत रख देंगे इसे गैस के ऊपर, बस गैस को खोल देंगे, यानी कि प्रेशर कुकर हम ऑन कर देंगे और विजल आने तक इसे पकाएंगे। विजल हम बता देते हैं, इसमें 1 से 2 ही विजल करानी है, और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करा रही, बस विजल इसके लिए पर्याप्त है। ये हो गया, गैस को कर दिया बंद, ठंडे होने के बाद इसे खोलेंगे, तो ठंडा हो गया है, विजिल खुल गई है इसकी, तो देख लेते हैं कितने पके हैं या नहीं। तो 1 से 2 विजिल में आराम से पक जाते हैं, क्योंकि हमने इसे काट के डाला है ना, आप चाहे तो नॉर्मली डायरेक्टली डाल सकते हैं ऐसे, तो हम इसे काट के डालेंगे तो थोड़ा ईजी होता है। तो दिखा देते हैं हमको कितना सॉफ्ट हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल खिल गया है, और हमने इसे छन्नी में निकालते हैं, एक्स्ट्रा पानी है ना वो बाहर निकल जाएगा, बस छन्नी में इसे रख देना है, पानी बिल्कुल भी ना हो इसमें। तो एक फ्राई पैन ले लिए है, आप बड़ी साइज़ की कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, तो हम इसे डीप फ्राई भी नहीं, सैलो फ्राई भी नहीं, मीडियम ही कर रहे हैं। तो इसे आप पनीर फ्राई करते ना, बस उस तरह से अच्छा सा तेल गर्म हो गया, हमने सरसों ऑयल यूज़ करा है, आप चाहे तो कोई और भी करते हैं, तो हम आपको सजेस्ट यही करेंगे, अगर आप सरसों ऑयल में बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, सरसों ऑयल का ही यूज़ करें इसमें। तो अच्छा सा सुनहरा होने तक इसे कुक करेंगे, हल्का सा इसमें जो ऊपर से होती है ना, इसकी ऊपर से परत हल्की सुनहरी कलर की हो जाए, बस इतना करना है इसे। आप चाहे तो इसे लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि इसे 1 हफ्ते तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, आप चाहे तो कभी भी इसमें तड़का लगाए स्टोर करके रख दीजिए एक डब्बे में, तो जब भी आपका मन खाने का करे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसे ख़त्म कर दीजिए, कभी भी तड़का लगा कर इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो बस इसे प्लेट में निकाल देंगे इस तरह से, ध्यान रखना है बस जब भी इसे फ्राई करके डब्बे में रखेंगे ना, तो फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं, फ्रिज में रख देंगे इसे, फिर जब भी मन करे तभी भी इसे बना सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे अच्छे से क्रिस्पी कर इसमें हल्का सा इसमें चाट मसाला नमक डाल के स्नैक्स के तौर पे भी इसे खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमने तो 1-2 यूँ ही चट कर दिए हैं, तो देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसे रख दें एक तरफ, तो दूसरे उसी फ्राई पैन में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल ले लिया, ज़्यादा नहीं, बस हल्का ही ऑयल लेंगे, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जखिया, यानी कि 1 चम्मच करीबन, आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं। जखिया डालने से क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी आता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी टेस्ट आता है, हमें तो काफ़ी अच्छा पसंद है, इसलिए हम डाल रहे हैं। तो एक तेज़ पत्ता डाल दिया है हमने इसमें,
कोई भी खड़े मसाले जो भी आप डालना चाहें, खड़े मसाले हो कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक प्याज डाल दिया है बड़े बड़े टुकड़ों में काट के, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच करीबन। तो अगर आपके पास फ्रेश है बिल्कुल तो फ्रेश भी ले सकते हैं। तो हमारे पास नहीं था जिंजर गार्लिक, तो हमने इसकी प्यूरी ही डाल दी है। हल्का सोटी कर लेंगे इसे, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा। तो यहाँ पे एक टमाटर डाल देंगे हम काट कर, तो हमारे पास हमने काट के नहीं रखा था तो हम इसे फटाफट से यहीं पर कटिंग कर देते हैं। हम काटना भूल गए थे तो हमने सोचा अभी इसे फटाफट काट देते हैं। बिल्कुल देसी अंदाज में बना रहे हैं फ्रेंड्स, हम जिस देसी तरीके से बनाते हैं इसे वैसे ही बना रहे हैं। आप चाहे तो इसे बड़ी सी लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं, और चूल्हे के ऊपर बनाएंगे ना वाह क्या टेस्ट आ जाएगा इसमें। चूल्हे के ऊपर बनी हुई है इसकी सब्ज़ी, और थोड़ा सा इसमें हमने क्या डाल दिया है, इसमें थोड़ी सी हमने डाल दी हरी मिर्ची काट कर, एक से डेढ़ चम्मच नमक डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा हमने मसाला डाल दिया, नॉर्मल धनिया पाउडर डाला है। तो अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा भून लेंगे, जब तक इसका तेल किनारे ना हो जाए ना तब तक इसे भूनना है हमें इस तरह से। तो देख सकते हैं अच्छे से भून गया, इसका तेल बिल्कुल किनारे निकलने लगा है, यानी कि अच्छे से भून गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम पानी, एक से दो कप पानी डाल देंगे, जिससे थोड़ा सा क्या होगा ना, हम इस ग्रेवी में इसे पकाएंगे ना अच्छे से पक जाएगी, अंदर तक इसका रस भी चले जाएगा, यानी कि ग्रेवी चले जाएगी इसकी और अच्छी बेहतरीन बन जाएगी। अच्छा सा उबाल आ गया है ना पानी में इसी ग्रेवी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लिया है ना, हम आपको बताना भूल गए हैं, यह आपको आगे बताते हैं इस सब्ज़ी का नाम क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी का नाम है, जो आप इसे कहीं भी मार्केट में ले सकते हैं आसानी से, तो इस सब्ज़ी को कहते हैं टेढ़ की सब्ज़ी या टेढ़ू की सब्ज़ी। हमारे पहाड़ी इलाकों में खूब शौक से खाते हैं इसे, पहाड़ी इलाकों में खूब पाया जाता है ये, टेढ़ की सब्ज़ी या टेढ़ू की सब्ज़ी इसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप इसे, थोड़ा सा हमने इसमें गर्म मसाला, थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती डाल दी है, और बस इसे अच्छे से चला देंगे, कुक कर लेंगे और थोड़ा सा स्टीम में इसे पका लेंगे, पानी एब्जॉर्ब हो जाए, हल्की तरह सूखी लस्सी सी बने सब्ज़ी, ताकि हम इसे रोटी के साथ खा सकें। आप चाहे तो जीरा आलू जैसे बनाते हैं ना उस तरह से इसे बिल्कुल खड़ा भी बना सकते हैं, मगर उसमें हमसे रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाएगी, तो हम हल्का लस्सी सा बना रहे हैं जिससे बिल्कुल टेस्टी सा बनेगा ये। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे लीड, थोड़ा अच्छे से स्टीम से कुक हो जाए, पक जाए, बस थोड़ी देर में लीड हटाएंगे तो यहाँ पे पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, पर हल्का फुल्का बचा है, स्टीम से थोड़ा उड़ जाएगा, जैसे हम ढक्कन खोलेंगे ना वैसे उड़ जाएगा पानी, और गैस को कर देंगे यहाँ पे बंद और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। इतना टेस्टी सा बनाया ना ये, उंगली चाटते रह जाओगे, इतना गजब का बनाया। तो गर्मा गर्म फुल्कों के साथ खा लेंगे, चूल्हे में सेक के आज हमने रोटी, गर्मा गर्म रोटी चूल्हे में सेक के इसे बनाया है, इतना गजब का हमारे मुँह में तो अभी से पानी आने लगा है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब के बगल में दिया घंटे का बटन जरूर दबाना फ्रेंड्स। और जब भी बनाएंगे इस रेसिपी को फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब भी आप हमें कमेंट करके बताते हैं। तो हमारी पहाड़ी वाली रेसिपी आपको कैसी लगी, बिल्कुल उत्तराखंड की गजब की रेसिपी है ये। तो प्लीज़ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।